आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्रा उसे कहते हैं जो कोई भी चीज या जीवित प्राणी भूतकाल या भविष्य काल में आता जाता है उस यात्रा को समय यात्रा कहा जाता है, और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी कि टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। ये घटना है सन 1935 की, जब विक्टर अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे, तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का विचार किया जो एडिनबर्ग के शहर के करीब था, पर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर ने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट के पास आ पहुंचा है, और वो एयरपोर्ट देखने में काफी ज्यादा एडवांस लग रहा था। वो ये देखकर घबरा गए क्योंकि वो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और ये अब पूरी तरह से काम कर रहा है। विक्टर ने वहाँ और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था, वहाँ 4 पीले रंग के एडवांस विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। ये सब देखकर वो घबरा गया और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया, और फिर वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ समय बाद उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वो रास्ता भटक गए, मगर तूफान शांत होने के बाद ही इसी तरह अपने शहर पहुंचे। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया, पर 4 साल के बाद एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया जिसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया, और तो और वो पीले रंग के एडवांस एरोप्लेन भी बनाए गए। इसका मतलब ये है कि सर विक्टर ने टाइम ट्रैवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी।